नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। हलाला और बहुविवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली एक महिला के ऊपर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 13 सितंबर को तेजाब डालकर हमला किया गया। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। महिला के मुताबिक जब वह इस घटना की रिपोर्ट SSP के पास करने जा रही थी तो रास्ते में उसके ऊपर उसके देवर ने एक और आदमी के साथ मिलकर हमला कर दिया, उसके ऊपर तेजाब फेंका गया। महिला ने पुलिस को बयान दिया है कि उसके देवर और उसके एक साथी ने तेजाब फेंका, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह महिला मूल रूप से दिल्ली के ओखला की रहने वाली है। बुलंदशहर के अगौता इलाके के जौलीगढ़ में रहने वाले एक शख्स से उसका निकाह हुआ था। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हुए, लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे ट्रिपल तलाक से तलाक दे दिया। तलाक के बाद उसका पति उसे फिर से अपनाना चाहता था, इसके लिए महिला पर हलाला करने का दबाव डाला। और हम आपको बता देते हैं हलाला क्या होता है। हलाला का मतलब अगर किसी मुस्लिम महिला को उसका पति तलाक दे दे और उसके बाद वो फिर से उसी महिला से निकाह करना चाहता है तो जिस महिला को तलाक दिया गया है उसे किसी और के साथ में शारीरिक संबंध बनाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह, तलाक और हलाला के कई केस को एक साथ जोड़कर एक फैसला दिया। ये फैसला अगस्त 2017 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए 3 तलाक देने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 6 महीने के ऊपर इस पर कानून बनाए। अब उस फैसले को 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक कानून नहीं बना पाई है। यह बिल लोकसभा में पास हो गया था लेकिन अभी राज्यसभा में अटका हुआ है। और ऐसी कुप्रथाओं के ऊपर आवाज़ उठाने वाली महिला के ऊपर तेजाब से हमला हुआ है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए दी लल्लनटॉप के साथ में। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।